तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं आपका नया व्लॉग में। तो आज हम जो करने वाले हैं वो मुझे भी नहीं पता, धीरे धीरे होगा, जो करना है वो होगा। पहले तो एक जो फ्रेंच बुलडॉग की फीमेल आ रही है कोई मेरे दोस्त से, वो मेट करवानी है। तो जो मेल है वो अपना घर पे है, तो सबसे पहले तो घर से उसको लेके आऊँगा, उसे घर ही रखते हैं ज़्यादा टाइम, तो सबसे पहले तो घर से लेके आऊँगा और यहाँ पे उसको देखते हैं कि मेट होती है या नहीं। हो ही जाएगी, वैसे तो अपने पास आई है, खाली कुत्ती तो जाती नहीं। तो वो मेट करा के उसको फिर वो चला जाएगा, उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या और करना है, कुछ नया कुछ पुराना देख के सोच रहे हैं। कुछ अपना जो ये घोड़ी वाला है, घोड़ी को खुला छोड़ने लग जाएं, या घोड़ी को आज थोड़ा रोड साइड पे घुमा के लेके आएंगे, साथ में फ़ोटो है जो नई फ़ोटो वगैरह है वो खींच लेंगे, और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो काम भी कर लेंगे। तो मैं गिनी पिग को पानी और अपना इनका दाना दे रहा था, तो मेरे को लगा ये काफ़ी बर्तन इनका गंदा हो चुका है, तो सबसे पहले तो इसको ही साफ़ कर देते हैं, और ये भी बहुत गंदा हो रखा है तो इसको भी साफ़ करते हैं, फिर इनको जो दाना है फिर डालेंगे। पहले ये साफ़ कर देते हैं। तो इसका प्यार देख लो, अलग ही चलता है, मतलब ना किसी डरना ना बात, और ये खुली घूमती है। तो अभी बंधन चाय पी रहा था तो चाय मांगने आ गई, इसका अलग ही सिस्टम चलता है, अपना घूमता रहो, मांग चाय पीनी है तो चाय पीनी आ जाएगी, रोटी खानी है तो रोटी खानी आ जाएगी, ना मांगने में शर्माती ना बात। और ये रहती यहाँ पे खुली है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, इसको कोई टेंशन नहीं है। अभी इसको गुड़ खिला देता हूँ थोड़ा बहुत, तो ठीक रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेंच बुलडॉग की फीमेल है, वो अपने पास मेट होने के लिए आ रखी है। वो आई थी और आज मेट हुआ नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत थी, गर्मी ज़्यादा थी तो उसकी वजह से, तो उसको वापस ले गए। कल दोबारा लेके आएंगे और थोड़ा ट्राई करेंगे, कूलर वगैरह लगा के कराएं। तो घर से मैं मेल ले आया था, आपको कभी दिखाया भी नहीं होगा, बट आज के व्लॉग में मैं जो हमारा फ्रेंच बुलडॉग का मेल है वो भी दिखा दूंगा। एक फीमेल भी हमारे पास फ्रेंच बुलडॉग की, वो भी मेट होने के लिए कहीं और गई है, क्योंकि ये दोनों हम एक साथ मेट नहीं करा सकते थे, क्योंकि हमेशा छोटे होते साथ ही रहे थे, तो इनको भी मेट नहीं करा सकते थे। तो अब आज हमने जो फ्रेंच बुलडॉग का मेल था वो यहीं फार्म पे रख लिया है, कि मैं दो तीन थोड़े दिन यहीं पे रख लूँगा। थोड़ा थक गया है क्योंकि एक ही एक जगह पे रहा है, थोड़ा घूमा फिरा नहीं, तो अब थोड़ी डाइट वगैरह दे के इसको एक तो बढ़िया सुंदर तैयार भी कर लेंगे, और एक अपना फार्म पे थोड़े दिन घूमता रहेगा। ये बंद के ज़्यादा रहा है, अब थोड़ा खुले में रहेगा, डॉग्स के साथ खेलेगा, तो वैसे ही अपना अपना जैसे मोटा होता रहेगा और ठीक हो जाएगा। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं मेल कैसा है अपना। तो ये रहा अपना फ्रेंच बुलडॉग का मेल, इसका नाम है गोल्ड, और अभी बहुत मस्ती में छाया हुआ है, मस्ती चाहिए इसको। ये देखो सारे पास लग रहे हैं, इसकी स्मेल सबके साथ घुल मिल गया है, और तो मेरी चोट भी ठीक हो रही है, और अब थोड़ा देखो थका हुआ है, बट कुछ दिनों में इसको सही कर देंगे डाइट वगैरह दे के। काफ़ी अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि इसका फेस देखिए, इसे फेस दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और ये देखो पेपर और अपनी यहाँ घूम रही है, वो बिगल भी यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई, एक सेकंड में देखता हूँ, वो घूम रही, देखो बोरी, तो ये भी यहीं घूम रही है। और अब आपको जो डक्स है, डक्स ने अंडे रोक दिए, पता नहीं क्या दिक्कत है, जो 5 अंडे दिए थे उसके पास कोई अंडा नहीं दिया, सिर्फ 5 अंडे ही दिए, पता नहीं क्यों नहीं दे रही अब। तो वैसे तो मैंने इनको दाना डाला था, अभी घास भी डाली थी, घास तो खाई नहीं, वहाँ उतने अंडे पड़े हैं, 5 के 5। छठा अंडा, हेलो हेलो, छठा अंडा कब दे रही हो? हाँ ये तो मेल है, तुम कब दे रही हो छठा अंडा? पता नहीं कब देगी, इसका भी पता नहीं। तो इन बच्चे वगैरह का खा लिया इन्होंने घास, थोड़ा बहुत और डाल देता हूँ ताकि खा लेगा, ये ले भाई, ये खा लेगा अपने आप, और इसकी इसने खा लिया है, अभी थोड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ
तो अभी गिनी पी गए, उनको भी डाल रखा था मैंने, ये भी खा रहे हैं। काफी और हो गए, 14 हो चुके हैं ये भी। तो वो कहाँ घूम रही है देख, इसकी माँ ये रही रंगीली बीच में है, बीच में है। और वो देखो कहाँ जा रखी है सबसे अलग। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो क्यों चाहिए, और रंगीली। हाँ इसको भी अंदर कर दिया था मैंने, बाहर बहुत देर से घूम रही थी। ये देखो अपनी बच्ची सही हो रखी है, फोटो खींच लेता हूँ मैं साथ। ये तंग कर रही है मेरे को, फोटो खींचने नहीं दे रही, पता नहीं इसकी क्या दिक्कत है। गोल्ड आज सच में सीजर भी ले आऊंगा और इसकी कटिंग भी कर देंगे, जो अपना अंगूर है काफी गंदे बाल और रखे हैं तो इसकी भी कटिंग कर देंगे। और ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, घूमते फिर रहे हैं। तीसरा कहाँ है, तीसरा हाँ वहीं बैठा है उसके अंदर ही। तो ये भी मैंने खोल रखा है, कबूतर आ चुका है ये देखो। ये रहा एक, पता नहीं कहाँ गया, एक तो दिख ही नहीं रहा, पेड़ पे सारे देख लिए मैंने, दिखा ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया हुआ है, कहाँ चला गया। मेरे को लगता है यार बाहर निकल के भाग गया होगा, बट देखो क्या बनता है अब। तो ये देखो मुर्गों ने भी सारी ये पराली लगा रखी थी सारी ख़राब कर दी है। तो अपना जो इनका अपडेट है, जो पिजन्स है अपने, काफ़ी हद तक ठीक है। और अब इनको सुबह दवाई दे दी थी, अब दोबारा दूंगा, यहाँ गंदगी कर रखी है, पहले सारी साफ़ करके फिर इनको देखता हूँ मैं। अभी एक बार थोड़ा दाना वगैरह है घोड़ों का वो कर देते हैं, पौधे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये बेल भी होगी। अभी तो सुबह सुबह आते हैं तब फूल खिल जाते हैं इनके, अब नहीं खिले हुए, बाकी गेंदे पता नहीं कब तक लगेंगे। और ये देखो टेढ़ा हो रखा है, इसको भी सीधा करते हैं अभी, बाकी दाना तैयार हो रहा है, अभी दाना तैयार हो जाएगा फिर बढ़िया रहेगा। और आपको जो गैरेज में है सामान वो दिखा देता हूँ, कितना बढ़िया सारे फिक्स हो चुके हैं। सबसे पहले तो अपनी ये जो पिकअप है ये लग चुकी है, यहीं लगा दी थी क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये रही सारी अपनी गाड़ियाँ, 1 2 3 4 सारी लाइन में लग रखी है। और ये रहा घोड़ी का दाना जो हम देते हैं गुड़ मिला के, जितना भी सब कुछ तो मिला के, ये घी वगैरह, वैसे ही कणक है, कणक को मतलब सिजा के और फिर बनता है। डाइट सबसे मेन रखते हैं हम कि डाइट पे फोकस रहे, सभी जानवरों की डाइट पे फोकस रहे ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए या कोई और चीज़ है, भूखे ना रहे, सबसे मेन वही है। अब ये साथ घूमते हैं तो हट भी काफ़ी अच्छी लगने लगी है, बस बाहर ऊपर ऊपर का रह गया, वो देखो कब तक होता है, बाकी आपको आगे और दिखाता हूँ। तो इसे देख लो मेरे पीछे हो रखे हैं, खाना इनको खिला दिया मैंने सबको, तो अब मेरे साथ साथ पीछे पीछे हो रखे हैं कि हाँ भाई हम भी आगे, कहाँ जा रहे हो। सिक्योरिटी है फुल फुल हाई लेवल की सिक्योरिटी है, 1 2 3 4। रोमियो उधर बैठा देख रहा है कि कोई और ना जाए, इनको देख लो घास घूस डाला हुआ है, फिर भी रात को मैं डालता नहीं, वैसे तो इनका सोने का ये नहीं सोते, सच रात को ये नहीं सोते, बाकी सब सो जाते हैं। और अभी जो है गेट भी ओपन था, मुर्गे हैं जो अपने, तो उनका गेट भी मैं बंद कर देता हूँ और इसको करते हैं बंद। तो अंदर ही बैठे, हाँ इस साइड बैठे हैं। तो इधर घोड़ियाँ दिखा देता हूँ, इनको दाना वगैरह डाल दिया था और नीरा डाल दिया है, नीरा भी डाल दिया है, वो उधर है उसको भी खोल देता हूँ मैं, अभी उसने दाना खा लिया है। तो ये देखो सो रखी है आराम से, इसको सबसे कम टेंशन है, इस चीज़ की टेंशन नहीं। तो इसको अंदर चलते हैं तो देखते हैं, ये इसने नहीं खाया शायद, नहीं पता नहीं क्यों खाया है, नहीं देखते हैं, वो खा लेगी, उसको खोल देते हैं रंगीली को, तो वो अपने आप खा लेगी ये जितना बचा है। इसने खुद का हाँ खा लिया, इसने तो गेट भी खुला है। अभी बाहर जाना है, नहीं जाना, तो अभी गेट बंद करता हूँ सबसे पहले, तो हो गया बंद और लात मारेगी क्या, वो आ चुकी है
उसको ऐसे में थोड़ा हाथ साफ कर लेता हूँ। इसको देख लो, इसको देख लो, घोंगलू सी। हाँ केसुर, केसुर मच्छर बहुत रखे हैं, मच्छर खा रही है बेचारी को। कुछ कोई नहीं, इसको यहीं सोने की आदत है, ये यहीं सोती है। मतलब ये देखो शाबाश, ऐसे नाड़ ऐसे रखे ना, जो इसकी गर्दन है उसको ऐसे रखे, तो मैं कहूँ बहुत सुंदर लगती है। और ये चलती है तब भी ऐसे चलती है काफ़ी बार तो इसके पास क्या करने जा रही है? ए लो भाई, अब खाने लगी ना, इसको देख के खाने लगी है। बाकी सारा कर दिया है काम, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, और ये व्लॉग करते हैं ख़त्म।